केंद्र सरकार संसद में जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट लाने की तैयारी में है। जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे पर बिहार में केंद्र बनाम राज्य के हालात नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग पर तल्ख टिप्पणी की है। सीएम नीतीश ने कहा कि सिर्फ कानून बनाने से जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होने वाला है। बिहार में जनसंख्या के नियंत्रण पर लगातार काम हो रहा है, इस पर कानून लाने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को राजधानी पटना में मीडिया से बातचीत में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि चीन में भी लंबे समय तक 1 से 2 बच्चे पैदा करने का कानून था। उन्होंने चीन जाकर भी देखा, लेकिन इस कानून का कोई फायदा नहीं नजर आया। चीन में कई जगहों पर लोगों के 3-3 बच्चे हैं। चीज कोई चीज नहीं है, मेन चीज है काम ऐसा करिए कि सबका स्वभाव हो जाए। आमतौर पर सिर्फ नियम और कानून बनाने से कोई चीज होता है? चाइना का ही पता कर लीजिए ना कि पहले एक पर किया, उसके बाद क्या हाल किया है। अरे हम तो चाइना जो गए थे ना, तो आप जानते हैं 1 सप्ताह हम सबका अनुभव लिए, शाम में सब जो बैठता था वहाँ पर जा करके अनुभव लिए और देखे कि बेचारे एक अगर जिसके पास है वो कुछ ध्यान किसी को नहीं रख रहा था। हम मेरे साथ जो व्यक्ति को रखा गया था जब हम वहाँ घूम रहे थे चाइना में, तो उसकी बात जो सुनते थे, तो इन सब चीज़ों को देखा कि भाई अगर इतना कम हो जाएगा तो उसको तो अपने परिवार का भी ख्याल नहीं। ये मेरा वहाँ का अपना अनुभव है, समझ गए ना। और वो जो किया उसका तब बढ़ाया ना, फिर 1 को 2 कर दिया है और कुछ कुछ जगह तब 3 की बात चल रही है वहाँ, तो ये हालत हो गया। इसलिए हमको किसी पर कोई, सबका अपना अपना विचार है, हमको तो जो लगता है भाई हम बात कर रहे हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा इसी से होना है जिसमें कि आप सबको सहमत करिए, सबको जागरूक कर दीजिए। हम लोग यहाँ पर जो कर रहे हैं तो आप जरा बोल दीजिए कि सबसे गरीब राज्य 4.3 से घटा के 3 पर पहुँचा दिए ना, और यही करते रहेंगे तो बहुत जल्दी मैंने 5-7 साल में 2 तक पहुँचा देंगे, तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। और लड़की जब पढ़ लेगी ना तो आप जान लीजिए पक्का वो सब ऐसा नहीं होगा। और कई तरह का सबको जानते हैं भाई, सेक्सुअल रिलेशनशिप रहता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सब बार ग्रहण ही करे। तो सब तरह से सबको मालूम है, जब पढ़ लिख लेने के बाद हर चीज की जानकारी रहेगी, असल चीज वही है। इसलिए मेरा व्यू बता दें, बिहार में जातीय जनगणना के साथ ही बीजेपी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी मांग की है। बीजेपी नेता और वन्य पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा था कि जातीय जनगणना तो अब हो ही रहा है, अब जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बिहार में लागू हो जाए। अब इसमें जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए और बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर देना चाहिए। आज बड़ा ही शुभ दिन रहा है, कई महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट में आए हैं जिसमें जातिगत जनगणना के लिए फंड भी अलॉट किया गया 500 करोड़ और 6 महीने का समय भी दिया गया। निश्चित रूप से जातीय जनगणना बिहार में होगी और इससे ये निश्चित रूप से अब स्पष्ट हो जाएगा कि किस समाज का कितना जनसंख्या हुआ है और खास करके कथाकथित जो अल्पसंख्यक हैं उनकी भी गिनती हो जाएगी, किस रफ्तार से अल्पसंख्यक हमारे राज्य में बढ़े हैं हमारे, और उनकी गिनती हो जाएगी। और जो घुसपैठी है हम तो चाहेंगे उनका भी गिनती हो, जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, वैध है या अवैध है, गिनती में सबका गिनती आ जाए। कई ऐसे भी लोग रहते हैं कि जब गिनती शुरू होती है तो अपना गिनती छुपाते हैं, कई लोग 3-3 बीवियां रखते हैं, 15-15-20 बच्चे रहते हैं जिनकी गिनती नहीं करवाना चाहते। तो मैं चाहता हूं एक एक लोगों का गिनती हो, इससे ये स्पष्ट हो जाए कि कितने तेजी से ये बढ़े हैं।